अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैर से होंगे और खुशबाश होंगे। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सा जो है कैप्री का डिज़ाइन। मेरे पास बहुत ही कम जो है ये फैब्रिक बच गया था मेरी शर्ट के अंदर से। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम फैब्रिक है, बस ये टू लेयर जो की जो पट्टी है वो मेरे पास बची थी या थोड़ी सी और, तो उसकी हम जो है डिज़ाइनिंग सिंपल तरीके से किस तरह बनाएंगे अपने पैंचे का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इस तरह से टू लेयर कटिंग कर ली थी। मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंचज़ रखी थी और वाइट लेयर हम इसकी उतार लेंगे। बुकरम मैंने 2.5 इंचज़ की जो है वो रखी थी। अपने रखने के बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद हमने जो है कैप्री की जो सीधी साइड है उस पर इसको पेस्ट किया था। अमूमन हम पंचा बनाते हैं तो बैक साइड पर हमने जो है इसको पेस्ट करना होता है, बट ये हम जो है सीधी साइड पर जो है हमने बुकरम को अटैच किया है क्योंकि हमें जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग सीधी साइड पर करनी है। तो पेस्ट करने के बाद हमने जो ये फैब्रिक की जो लेयर्स हमने कटिंग की थी, जो हमारी शर्ट के साथ की फैब्रिक थी, उसको हमने इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखा है और इस तरह से देखें हम साथ इसके जो है स्टिच कर लेंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। हमारी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, अगर बुकरम के ऊपर आएगी तो वो हमारी जो है ख़राब हो जाएगी। इस तरह से देखें स्टिच करने के बाद हम इसको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से यहाँ पर आयरन कर लिया था ताकि हमारी अच्छे से जो है नीटनेस के साथ जो है हमारी सिलाई बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा फैब्रिक और बचा था, हमने ये जो है स्क्वायर्स कटिंग कर लिए थे। जितना मेरे पास फैब्रिक था उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने उस हिसाब से बस रख ली थी। इस तरह से देखें हम ट्रायंगल्स को बना लेंगे, स्केयर्स को ट्रायंगल बना लेंगे। इस तरह से देखें हमने बना लिया है। बनाने के बाद हम इस लेयर को जो हमने इस तरफ पलटी है फैब्रिक को, हमने इस तरह से ऊपर उठा के इस तरह अंदर रखते हुए हमने इसको जो है समोसा भी कह सकते हैं इसको या ट्रायंगल भी कह सकते हैं, इस तरह से हमने इसको रखना है और इस तरह से ऊपर रख के इसको स्टिच कर देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है हमारी नोक जो है सिलाई हमारी बिल्कुल जो है बिल्कुल किनारे के ऊपर आए। इस तरह से ट्रायंगल्स रखते जाएंगे और हम जो है इसको स्टिच करते जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से हमारी जो है ये स्टिचिंग हो जाएगी दोनों पैंचों पे। तो इस तरह से देखें मैंने ये एक और ट्रायंगल रखा है साइड में, जो मैंने है 1.5 इंचज़ का गैप रखा था ताकि हमारे स्टिचिंग के अंदर भी फैब्रिक आए। यहाँ पे देखें मैंने जो ट्रायंगल्स हैं वो लगा लिए थे, आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप दूसरा डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो इसका, जो आजकल बहुत ही इन है जो लीफ बना लेते हैं ट्रायंगल्स की। मैंने बस ट्रायंगल्स इसी तरह से अटैच करने थे। आप उसको और भी फैंसी बनाना चाहते हो तो आप जो है इस पर पर्ल वगैरह भी अटैच कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने दोनों पैंचे रेडी हो गए थे। बहुत ही जल्द तैयार होने वाला ये कैप्री का डिज़ाइन है। नीचे भी मैंने एक एक स्टिचिंग लगाई है इसकी, आप चाहें तो ना भी लगाएं। बैक साइड पे भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नीटनेस के साथ हमारी ये कैप्री का जो डिज़ाइन है वो बन गया था। सीधी साइड पे जो है हमारी कैप्री के जो फ्रंट साइड है उस पर मैंने बुकरम लगा के ये डिज़ाइन लगाया था। साइड वाली जो स्टिचिंग है हमारी फिटिंग की कैप्री की वो हम लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए जी इस तरह से कुछ हमारी कैप्री जो है बहुत ही इसी मेथड के साथ जो है वो स्टिच हो गई थी। आप भी इस तरह से कम फैब्रिक के साथ अपनी कैप्री को थोड़ा सा डिज़ाइन दे सकते हैं अपने जो है शर्ट के फैब्रिक के साथ का। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये आइडिया और आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो। आप इस पर और फैंसी के लिए जो है पर्ल भी लगा सकते हैं, मैंने उसको सिंपल में ही रखा है। यहाँ पे नोक्स भी आप लगा सकते हो। लाइक करें, शेयर करें एंड करें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।